जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुरेश यादव। मैं आज यहां पर आया हूं कि क्योंकि यहां पर एक भैंस जो है वो मर चुकी है, और भैंस मरने का कारण है ये लंबी सी दिखने वाली खाई। इस खाई के कारण इसके अंदर भैंस जो है अंदर दब गई थी और उसके कारण मर गई थी। यहां पर उस भैंस का मालिक भी है, उनसे बात करते हैं कि कौन से कारण के कारण उसकी भैंस जो है वो मर गई है। आपका क्या नाम है? रमेश भाई। रमेश भाई, क्या हुआ था आपकी भैंस के साथ? भैंस गुम हो गई थी तो, और मैं उधर घूमता था वो मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैं इधर आया। वो दूसरा आदमी एक मिला, उसने बोला कि यहाँ पे है गाय में फंसी पी है। तो मैं आया तो पांच भैंस था, उसमें एक मर गई, चार निकाल दिया है, और दो चार की गंभीर हालत है, उसको घर पे ले गया हूँ, बाद में ये मर गई है। आपकी भैंस जो है वो गायब हुई थी, उसका कितना दिन हुआ? उसको चार दिन हुआ, गायब चार दिन हुआ। मैं पूरा दिन घूमते रहे। तो दोस्तों, ये भैंस का मालिक है। अब आपको बताता हूँ कि फॉरेस्ट के द्वारा यहाँ पर क्या कुछ किया गया है। आइए मेरे साथ, मैं आपको कि यहाँ पर जैसे खड्डा किया गया है जिसमें कोई भी पशु हो, जंगली, कोई भी अंदर घुस सकता है और इसके अंदर दब सकता है और उसके कारण उसकी मौत हो सकती है। इसके पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो गाय, वहां पर फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं कि हमने इसमें बहुत सारा बियारण डाल के रखा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी बियारण नहीं डाला है। जो भी है वो कुदरत से अंदर उगा हुआ है, यहाँ पर कोई नया बियारण नहीं है। आप देख सकते हो कि खाई, लेकिन इस खाई के ना बाहर कोई फेंसिंग किए गए है, नहीं कोई सेफ्टी है यहाँ पर। इसके रेस के द्वारा यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं लगाई गई। और एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ से 100 मीटर पर आप देख रहे हैं, यहाँ जो के चौकीदार, इसको वाड़ा बोलते हैं, और वाड़े के चौकीदार का आप देख रहे हो उसका टेंट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चार दिनों के बाद भी उसकी नजर इसके ऊपर नहीं गई, और अंत में यलन की जो है ये भैंस जो है अंत मर चुकी है। तो अब इसके लिए सरकार के द्वारा क्या प्रोसेस होनी चाहिए आप लोग मुझे जरूर बताना, और इसको क्या सहाय वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना।